धोखा धोखा धोखा। आए दांतों में दर्द कर दिया मुझे। एलमंड है पर भैया ने बोला इसमें काजू। ये कौन सी मैग्नम की लाई, इसमें टुकटुकी तो लगी नहीं है आगे। दूध की बनाई है कि पत्थर की बनाई है? आप मुझे धोखा दे रहे हो, आप मुझे ऐसे करोगे भैया? धोखा दोगे मुझे हैं? मेरे दांत टूट गए ना अगर ये वीडियो बनाते बनाते। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। आइसक्रीम यू स्क्रीम, आई लव आइसक्रीम। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ आइसक्रीम चैलेंज, वेयर आई विल बी ट्राइंग एवरी आइसक्रीम। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ गई हूँ ये देखे आइसक्रीम वाले ठेले वाले भैया के पास। देख रहे हैं इनका कार्ड भी कितना सुंदर मुंदर सा लग रहा है। ये क्वालिटी वॉल्स का कार्ड है और यहाँ पे आज खाने वाली हूँ मैं ना बहुत सारी आइसक्रीम। तो भैया, आपके पास क्वालिटी की सारी आइसक्रीमें मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। अच्छा ये बताओ, सबसे सस्ती आइसक्रीम कितने रुपये से शुरू हो जाती है? 10 रुपये से शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है? 100 तक। एंड गाइस, कोई भी आइसक्रीम ना वेस्ट नहीं होने वाली है भाई। जितनी मैं खाती जाऊंगी उसके बाद ये देखिए टड़ंग टड़ंग घर से डब्बा भी आया है। सारी आइसक्रीम इसमें एक एक करके जमा होती जाएंगी और एंड तक इस वीडियो को एंड में देखना, क्योंकि सारी आइसक्रीमों का जो मिश्रण बनेगा ना, फिर उसका कलर दिखाऊंगी क्या बन के आता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो भैया हमको सबसे पहले, अरे नहीं तो ये तो आइसक्रीम का बोर्ड ही उड़ गया। सबसे सस्ते से शुरू करके सबसे महंगे तक ले जाना, ठीक है? ओहो, आई एम सो एक्साइटेड। भैया सारी आइसक्रीम खोल खोल के खिलाएंगे मुझे, देखो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। ये कौन सी है? ऑरेंज बार। आय हाय, इससे बड़ी यादें जुड़े। स्कूल में ना हम लोग को पैसे दिए जाते थे ऑरेंज बार खाने के लिए, हर इंटरवल में हम ऑरेंज बार खाते थे। ये खाने के बाद ना हम लड़कियां ना सब पूछते थे हमारे लिप्स में लिपस्टिक लगी क्या, ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है क्या, या फिर हमारी टंग ऑरेंज हुई कि नहीं, टंग हो ना हो, दांत सारे ऑरेंज हो जाएंगे गाइस। वैसे गाइस 5 रुपए की ऑरेंज बार कितने की हो गई? ये कितने की होगी? 5 रुपए की आती थी 55, अब कितने की हो गई? 20 रुपीज की। महंगाई देखो बढ़ गई, 5 से 20 तक तो हम पहुँच गए। और खिलाते जाइए भैया, और निकालते जाइए आप। है बड़ी सच्ची बड़ी टेस्टी, देखो वेस्टिंग नहीं है, सारी आइसक्रीम अंदर जाएंगी। वही कौन सी है? और आमरस यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आमरस ये कितने की है? 40 की। ले 20 से सीधे हमने जंप मारी है 40 के ऊपर। आमरस आइसक्रीम है आज, ये मैंने नहीं खाई है, पहली बार खाऊंगी। पानी की है या उसकी है? नहीं नहीं, फुल मैंगो है सच्ची यार। ओ माय गॉड, ये सच्ची बहुत टेस्टी, एकदम एकदम ऐसा लग रहा है जमा हुआ आपने आम रस खा लिया। 40 रुपए में फुल वैसा वसूल है। और क्या निकालते जाओ, वेट नहीं करो। ये कौन सी है? वाटरमेलन। अरे बाप रे, इतने वाटरमेलन में खा चुकी हूँ गाइस। अरे वाटरमेलन आ गई। ये कितने की है? 30 की। देखो कितनी टेंग 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 टेंग, कितनी कलरफुल सी आइसक्रीम है। वैसे सच्ची यार, ये वाटरमेलन का पिंक और ग्रीन एकदम वाटरमेलन लग रही है, अभी देखती हूँ कैसी है। ये तो एकदम बर्फ जैसी है गाइस, इसमें कोई दूध वूध नहीं है, ये शरबत है। अगर ये पिघल जाएगा ना तो पूरा का पूरा शरबत बन जाएगा। ये कौन सी है भैया? हाँ, अरे कोला ब्लास्ट, ये मैंने नहीं खाई है। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। कोला 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 और पेप्सी कोला। पेप्सी कोला है कि थम्स अप कोला है? कोका कोला है, कोको कोला है। अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, उधर क्यों देख रहे हो, कैमरे में देखो ना, इतना क्यों शर्मा रहे हो? ये देखो इनको इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। अरे आइसक्रीम मैं खा रही हूँ, आप ज्यादा मत शर्माओ भैया। चलो भाई, अब ये कोला ऐसा लगता है कोला कोका कोला को ना जमा दिया एकदम फ्रीजर में टाइट टाइट। हाय हाय, सच्ची यार भैया ये एकदम गजब की खिलाई है। आपने खाई है कभी आइसक्रीम? कितनी खाई है ऐसे अपने ठेले में से, कितनी आइसक्रीमें खाई है? सारी खा चुके हो? सबसे अच्छी कौन सी लगी? सब अच्छी है। नहीं ऐसे कैसे सब अच्छी है, आपने वो तो वही बात होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंगो वाली नहीं, देखो इसमें बाहर तो गाइस ये बर्फ की शाला है और अंदर है ये दूध की वनीला। देख रहे हो, देख रहे हो? हैं, ये ज्यादा अच्छी नहीं लगी? बचपन में तो खाती थी यार, बड़ी अच्छी लगती थी। इसको क्या हो गया? तुम्हारे बचपन में आती थी ना, हमारे बचपन इतना दूर नहीं था। मेरा बचपन अभी थोड़े टाइम पहले ही निकला है मेरा बचपन। नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं अडल्ट हो गई हूँ गाइस, बचपन मेरा चला गया।
दांतों में दर्द कर दिया मुझे। मैं बताऊं, जब मैं अपने ननिहाल जाती थी ना, वहाँ मेरे मामा जी के ठीक शाम के 6 बजे मैं खड़ी रहती थी, लाओ मामा जी पैसे, लाओ पैसे, लाओ चौकोबार खानी है। एंड लिटरली हर शाम को 6 बजे वो मुझे 10 रुपये का नोट दिया करते थे और एक आदमी को भेजा करते थे, जाओ हमारे बच्चे को चौकोबार खिला खिलाओ। और हाय क्या यादें थी ना, मतलब अगर मैं 2 महीने रुकती थी ना तो 2 महीने 60 दिन में आइसक्रीम खाए ही करती थी। मेरे दांत सुन हुए जा रहे हैं। इतनी प्लीज, इतनी मेहनत करती हूँ मैं गाइस, प्लीज़ मुझे लाइक तो कर दो। वैसे मुझे पता है आप लोग बड़े दिलदार हो, मुझे इस वीडियो में ना खूब सारा लाइक देना, आपकी भी ज़रा दिलदारी तो देखूँ। इसके अंदर भाई नट्स लगे होते हैं चॉकलेट के साथ साथ ना, थोड़ा क्रंची क्रंची भी मज़ा आता है खाने में। दांत टूट गए ना अगर ये वीडियो बनाते बनाते, गाइस मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। भैया ये तो बहुत ज्यादा जम गई है यार। जमी है। दूध की बनाई है कि पत्थर की बनाई है? चॉकलेट की। चॉकलेट की बनाई है। सच्ची? टूटी टूटी टूटी। फीस मुझे लगता है सबको पसंद आती होगी, जो भी चॉकलेट लवर्स है ना उनको फीस पक्का पसंद होगी। इसमें शाही क्या है? ये तो एकदम प्लेन है, हैं? बताओ ना। खाओगे? ये देखो गाइस, बोलते रहे शाही है, पास आके दिखाइए। इसमें शाही क्या है? इसमें तो कोई नट्स नहीं है, कुछ नहीं है गाइस। ये तो लगता है बस दूध उबाल के जमा दिया है लॉली की तरह। अब मैं बताती हूँ इसमें शाही क्या है। अरे यार ये तो मलाई कुल्फी को जमा दिया क्या भाई? ये हमें नहीं अच्छी लगी है। जो क्वालिटी वॉल्स है ना उसने ही एक कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम में चालू करी थी और अब सब जगह मिलती है। आपका डस्टबिन कहाँ है भैया? ये आप फेंक देंगे प्लीज। कागज मत खा जाना। नहीं कागज नहीं खाऊंगी यार। आज मेरे दांत जाने वाले हैं मुझे लगता है। मैं तो आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। नहीं आइसक्रीम डिजर्ट टाइम तो मेरा फेवरेट होता है गाइस, पर इतनी आइसक्रीम आज मैं पहली बार खाऊंगी। इतनी सारी आइसक्रीम में मैंने कभी नहीं खाई। ये बड़ी अजीब सी है चॉक्सिमो, ये कौन सी आइसक्रीम है? इसके अंदर क्या है? खाई है क्या? नहीं आई है। नहीं आई है? नहीं आई है। आपने खाई है क्या? खाई है। अच्छी है? काफ़ी अच्छी है। और अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिलाई है? है? अरे गर्लफ्रेंड का नाम लेते तो क्या ब्लश करने लगे भैया, दिखाओ। वैसे मास्क पहने तब ब्लश दिख नहीं रहा है, पर जो हंसी आई है ना इनके, है कि नहीं है गर्लफ्रेंड? नहीं। क्या बात करते हो, इतने जवान हो गए गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अभी तक? अभी बच्चा हूं मैं तो। बच्चा हूं? अरे आजकल तो बच्चों की गर्लफ्रेंड होती है। भैया फेंक दो प्लीज यार। इसमें तो कुछ, ये देखो नट्स वट्स लगे, सुंदर लग रही है वैसे ये। क्या बोलते हो गाइस, आप लोगों ने खाई क्या ये वाली आइसक्रीम? मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। ऊपर चॉकलेट है, नीचे भगवान जाने क्या है, मुझे नहीं पता। यार ये तो सच्ची बड़ी अच्छी है, ये पक्का अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाना जब भी मैं बनेगी। ओरियो? ओहो, ओरियो ये कितने की हो गई? बस क्या बात है यार, इतनी ओरियो की आइसक्रीम 20 रुपए में मिल रही है। आई कांट बिलीव दैट। ये कितने की? 20 रुपीज की है? ओ, मैंने तो पहले सुन लिया। मैंने ना 20 रुपए सुना, वही मैं सोचू ओरियो की आइसक्रीम इतनी सस्ती कौन सी। देखो यहाँ पे देखिए मेरी महारत, देखिए ये पूरा ढंग से मैंने कोन निकाला है, जुप करके पूरा निकल गया है पहली बार। ये देखिए ये ओरियो लगे इसके अंदर, देख रहे ऊपर इन्होंने जो है चॉकलेट के ऐसे कॉइन जैसे लगा रखे हैं और अंदर बीच में क्रीम है। और ये कोन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, गजब है यार, सच्ची गजब है एकदम। अच्छा एक बात बताओ भैया, जब शाम कोई लड़का लड़की बाइक में बैठ के आते हैं अपना रोमांस करते करते, तो आपसे एक आइसक्रीम खरीदते हैं? दो? एक। बस एक? आप नहीं बोलते दो तो खा लो कम से कम? मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? वो बोलते होंगे अपनी लवर को कि एक खाने से प्यार बढ़ेगा और एक आइसक्रीम बड़ी देर तक चला भी लेते होंगे। देखिए अभी आइसक्रीम का टेस्ट होने वाला है। कौन सी आइसक्रीम है? ट्रिक्सी कुकी, नाम ही मैंने पहली बार सुना है। देखो ट्रिक्सी कुकी, अब इसमें क्या ट्रिक है? नहीं ये ट्रिक्सी का मतलब क्या हुआ? नींद आएगी? सच्ची? हाय राम मुझे मतलब नहीं पता था ट्रिक्सी का मतलब नींद आना होता है। यार ये तो बहुत जमी हुई है, देखो कटी 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 कटी। अरे बाप रे बाप, अरे ऊपर चॉकलेट है और नीचे गाइस क्रीम क्रीम है। देखो वनीला बोलते हो उसको? वनीला के साथ कुछ और भी लगा है, सिर्फ वनीला नहीं है, वनीला बोलते है। इतना मुझे भी पता है वनीला बोलते है। हाँ नहीं तो
ये तो बहुत ज्यादा मीठी है यार। आइसक्रीम मीठी होती है। अरे अरे आइसक्रीम मीठी होती है पर इतनी देर से आइसक्रीम खा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मीठी है। ओ वाओ, दिस लुक्स सो इंटरेस्टिंग। ये देखिए गाइस, पूरा सैंडविच है, ये कुकीज है और इसके अंदर ये वेनिला आइसक्रीम है। मम्मा बाबा बाबा, कुकी वैसे मैं बताऊँ अगर क्रंची होती ना तो मजा आता, अभी थोड़ी सीम सी गई है। क्या खा रहे हो? अमूल पे कैसे पहुंच गए तुम? ये अमूल नहीं, हमें तो क्वालिटी की चाहिए। अरे ये एक मिनट, नीचे आओ नीचे आओ। आपने तो बोला था सारा क्वालिटी का आइसक्रीम, अमूल कैसे आया आपके पास? अमूल रख धोखा। ये देखो अरे क्या क्वालिटी का नाम क्या लिखा ऊपर, देखो देखिए गाइस इनका जो कार्ड है क्वालिटी का है। आइसक्रीम अमूल की कैसे? अमूल के एक ही है। कैसे है लेकिन? अब रखेंगे तो। अरे कैसे है लेकिन बताओ, लेके रखे तभी तो आएंगे। धोखा दिया भैया ने, आप मुझे धोखा दे रहे हो, आप मुझे ऐसे करोगे भैया, धोखा दोगे मुझे? नहीं मैं नहीं खाऊंगी आज, मैं क्वालिटी की आइसक्रीम खाऊंगी। देखो स्ट्रॉबेरी और वेनिला जो होती है ना भैया, वो एकदम प्लेन कुल्चे की तरह होती है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा मज़ा तो नहीं होता है, एकदम प्लेन सिंपल एंड सोबर। कई लोगों को प्लेन सिंपल सोबर लड़कियाँ भी अच्छी लगती हैं, मैं तो बिल्कुल प्लेन सिंपल सोबर। ये देखो इतनी टाइट है कि मेरा लगता चम्मच ही ना टूट जाए। थक गई गाइस, ये आइसक्रीम निकालते निकालते थक गई। एक बात बताऊँ, आपने खाई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? आपने स्ट्रॉबेरी नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? पसंद ही नहीं? क्यों? इनको लगता है प्लेन सिंपल सो लड़कियां पसंद नहीं आती, इसलिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी पसंद नहीं है। ऐसी बात है? वैसे मैं सच बताऊं स्ट्रॉबेरी मुझे भी इतनी पसंद नहीं, क्योंकि ये मुझे ना एकदम डाइजीन जैसी लगती है, एसिडिटी के लिए पीते ना डाइजीन, लिटरली मुझे एकदम वैसी लगती है। ये देखिए गाइस आइसक्रीम का नाम पता है क्या? चौको टास्टिक संडे। वैसे अभी तक तो कास्टिक सोडा सुना था मैंने, ये आइसक्रीम का नाम बताओ? चौको टैक्सी के अंदर संडे बनाया गया। इसमें भी गाइस नट्स वट्स पड़े, बट ये देखो यार सिर्फ ऊपर ही नट्स डालते हैं यार दिखाने के लिए, अंदर तो एकदम प्लेन है यार, मतलब क्या है ये? 10-20 रुपए में क्या चाहिए तुम्हें? ये 10-20 रुपए की है? 50 रुपए। 50 रुपए की है ये, 50 रुपए की। ये मजेदार नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है ये। क्या मतलब अच्छी आइसक्रीम खिलाओ भैया, मतलब अब ये क्या? अब ये देखो इतनी आइसक्रीम खा ली ना, अभी सस्ते चम्मच के ऊपर आ गए, लकड़ी के सस्ते चम्मच में, क्यों प्लास्टिक के कहा गया? प्लास्टिक के तो हो गए सब। अरे गिनती के अभी 2-3 चम्मच दिए बोलते खत्म हो गए। अच्छा बताओ ये बटर स्कॉच के ऊपर जो टुनू बूंदे डालते हैं काहे की है? खाई है ना आपने? खाई है बाकी इतना तो नोटिस ही नहीं करता ना। नोटिस ही नहीं करते? इतना नोटिस खाने से पता है क्या नोटिस करते हो फिर खाने में? टुकटुकी तो लगी नहीं है आगे, प्लेन वाली खिला दी। ये क्यों नहीं खिलाई हमें? ये क्यों नहीं खिलाई? ये भी यार बहुत ज्यादा मीठी है। देखो यार 90 नहीं, ज्यादा आइसक्रीम की बात नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा मीठी है। मतलब मैग्नम मैंने सुना था, मैंने खाई नहीं है गाइस, मैंने सुना था बोलते सारे लोग बहुत एक्सट्रीम मीठी होती है। ये यार ये देखो सच्ची बढ़िया निकल के आई है, ये है मैग्नम आलमंड। ये आलमंड लगे या वो मूंगफली के दाने चिपकाए हैं? नहीं आप बताओ, आपने तो खाई है। काजू है तो आलमंड क्यों बोला? पर भैया ने बोला इसमें काजू लगे। देखो आलमंड है यार, मुंह से जाओ हाथ में आ गए। नहीं मुझे लग तो रहा है बादाम है, वैसे बाहर बादाम हो सकते हैं, अंदर कुछ नहीं, अंदर एकदम प्लेन। इतनी सारी आइसक्रीमें खाई है, हाँ भरूंगी अभी थोड़ा पिघल तो जाए। वैसे गाइस वीडियो को अभी तक देखना लास्ट तक, इसकी खिचड़ी बनाऊंगी और इंस्टाग्राम पे, भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे बड़े अच्छी अच्छी रील्स और पोस्ट आ रही हैं। अब इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी मैं आपको इस मिश्रण का, मिक्सी में पीसने के बाद जब मैं जमाऊंगी ना तो किस कलर की आइसक्रीम निकल के आती है। तो आई होप भाई आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई अच्छा लगा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर आइसक्रीम के फ़ैन हो तो और ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो गाइस, और प्लीज़ खूब सारा लाइक करना। अपने अगले वीडियो में बाय।